रीवा शहर में चार अलग अलग जगहों पर लगी आग, कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं पटाखे से निकली चिंगारी ने लगाई आग। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा शहर में दिवाली की रात आग ने जमकर तांडव मचाया। यहां चार अलग अलग जगहों में आग लगी से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दावा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं पटाखे से चिंगारी फैली। पुलिस कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन में आई सूचना के बाद दमकल अमला मौके पर पहुंच गया। चर्चा है कि दीपावली की शाम से आग की सूचनाएं आना शुरू हो गई थी। ये क्रम मंगलवार की सुबह 4 बजे तक चलता रहा। सभी जगहों की आग पर काबू पा लिया है। अब किसी तरह से हताहत की खबरें नहीं है। चारों आग लगी की घटना से में जन सुरक्षित है जबकि माल का नुकसान हुआ है। ऐसे हुई आग लगने की शुरुआत। नगर निगम ने दमकल प्रभारी मुरली कुमार ने बताया कि पहली आग अमहिया थाना क्षेत्र में लगी। यहां स्काई बार में भड़की थी। घटना स्थल आदर्श फोटो काफी अंगूरी बिल्डिंग के पीछे है। वहीं दूसरी आग विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नीम चौराहा स्थित मनीष पाठक के घर पर लगी थी। तीसरी घटना समान तिराहा के नजदीक नेहरू नगर निरंजन मेडिकल के बगल में सब्जी की दुकान में हुई। वहीं चौथी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के नजदीक बेकरी फैक्ट्री में लगी थी। चर्चा है कि उक्त बेकरी फैक्ट्री रीवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली की। बने रहे खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।